हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि 4-5 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया। एक्चुअली मैं दिवाली आ गई और इतना ज़्यादा काम फैला हुआ है कि मैं खुद परेशान हो गई हूँ। 2 खंड का ये मकान है मेरा, पूरा वीडियो का सब कुछ फैला पड़ा है। मम्मी अलग सफाई में लगी हैं, बगल वाला दूसरा घर है उसमें अलग सफाई चल रही है। तो जिसकी वजह से ना यार, सच में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। इस समय दिवाली का टाइम चल रहा है ना, तो कुकिंग वीडियो भी मुझे डेली लगभग डालनी पड़ती है। हालांकि आज मैंने नहीं डाली है, बट डालनी पड़ती है, ठीक है। और किचन सेटअप का काम भी चल रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे, रक्षा काफी टाइम हो गया आपने बोला सेटअप बन रहा है, बट अभी तक आपका वीडियो नहीं आया सेटअप का। एक्चुअली में ना प्रॉब्लम क्या हो रही है, सेटअप तो एक दिन का काम है देखा जाए बनने का, कोई बड़ा ऐसा काम नहीं था। बट प्रॉब्लम कहाँ है कि उसमें जो सामान लगना है डेकोरेशन के लिए, वो ऑनलाइन में मंगा रही हूँ। अब ऑनलाइन इकट्ठा मंगा लूँ तो वो समझ भी नहीं आता कि क्या मंगाऊँ। तो जैसे एक दो चीज़ें मैंने मंगाई, उसको फिट किया, फिर मुझे दूसरा आइडिया मिलेगा कि अब यहाँ पे इस तरीके की चीज़ मतलब लगानी चाहिए। तो इस वजह से वो ऑनलाइन आप समझ सकते हो, कभी कभी 8 दिन में डिलीवरी देता है, कभी 2-3 दिन में ही दे देता है। तो उस चक्कर में मुझे बहुत लेट होता जा रहा है सेटअप के लिए, और माफी चाहती हूँ। दिवाली के बाद ही आपको सेटअप का वीडियो दे पाऊंगी, पूरा कंप्लीट हो पाएगा सेटअप। हाँ, सेटअप के लिए मैंने एक काउंटर, या यूं कह लीजिए बफर पट्टी, क्या बोलेंगे, एक टेबल बनवाई है बड़ी सी। तो मैं मार्केट में देखने गई थी तो वो लोग बहुत महंगी बता रहे थे, तो मैंने कहा यार जब इतनी महंगी आनी है, तो घर पे मैंने बात की फर्नीचर वाले से, तो वो बोला दीदी घर पे आपको और भी महंगी पड़ेगी। तो मैंने कहा यार जब इतनी महंगी पड़ी रही है तो क्यों ना घर पे बनवाया जाए। घर पे आप अपने हिसाब से बनवा सकते हो, कितनी लेंथ चाहिए, कितनी चौड़ाई चाहिए, और मजबूत बनवा सकते हो, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज कर सकते हो। तो मैंने भी वही किया। अब मैं आपको वो टेबल दिखाने वाली हूँ, देखिएगा कितना सारा सामान किचन का मेरा आ गया है टेबल के अंदर, और बहुत बढ़िया बनी है, और साथ ही में मटेरियल बच गया था तो मैंने और कुछ भी बनवा लिया है। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आई मीन टेबल बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको, ठीक है। सेटअप नहीं दिखाऊंगी, आधा बन चुका है, बट फिर भी नहीं दिखाऊंगी आपको, सस्पेंस में रखूंगी। तो आइए टेबल दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स, मेरे किचन सेटअप के लिए एक बढ़िया सी टेबल, ठीक है। ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या लगा है ऊपर। ये अभी पॉलीथिन लगी हुई है, मैंने निकाली नहीं थी, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं निकाली क्योंकि अभी सफाई का टाइम चल रहा है ना, तो मैंने कहा निकाल लूंगी तो ये टेबल धीरे धीरे गंदी हो जाएगी, डस्ट वगैरह गिरेगी, इसलिए। तो ये मैंने अभी पॉलीथिन इसमें जो कहते हो रखा हुआ है, क्योंकि सेटअप में अभी 5-4 दिन का टाइम है, तभी मैं फाइनली निकालूंगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको आगे से दिखाती हूँ कैसा इसका लुक है। ये देखिए, ये है ना, काफ़ी बड़ी है और बहुत सारी इसमें चीज़ें आ गई हैं किचन की। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसा मैंने करवाया है। ये देखिए, ये माइका लगवाइए यहाँ पर, ये डिज़ाइन में माइका है और ये प्लेन माइका लगवाइए, ठीक। और इसके दो आपको ये पल्ले यानी कि डोर नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर खूब सारा सामान भी अरेंज कर लिया है किचन का, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं ना। तो मैंने क्या किया, इसमें खिसकाने वाले दरवाजे लगवाए, क्योंकि खिसकाने वाले से जगह कवर नहीं हो रही थी, और वरना इसको बहुत आगे रखना पड़ता सेटअप से, इसलिए मैंने इसमें खिसकाने वाले स्लाइडिंग वाले, ठीक है। अब इस तरफ भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो जो सामान मेरा फैला पड़ा था ना बेड पे, आपको दिखाया था एक बार, वो लगभग इसमें काफ़ी हद तक आ गया है, ठीक। तो ये इस तरीके से काफ़ी बड़ी सी सेटअप के लिए टेबल तैयार हो गई है। अब मैं चाहूँ तो इसमें गैस वगैरह रख के कुकिंग भी कर सकती हूँ, बट मेरा इरादा भी कुकिंग करने का इसमें नहीं है, क्योंकि कुकिंग मैं किचन में ही करूँगी, क्योंकि यहाँ पर किचन कुकिंग करूँगी तो एक टीम चाहिए या कोई साथ में हेल्पर चाहिए, बट वो मेरे पास नहीं है। अब इस टेबल का फ्रेंड्स कुछ माइका प्लाई वगैरह ये सब चीज़ें बची हुई थी, तो उसका मैंने क्या किया, काफ़ी बचा था तो मैंने कहा वेस्ट ना हो, तो मैंने तोसी के लिए छोटी सी स्टडी टेबल बनवा दी। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये है इसका नन्ना पैक। ये बड़ी टेबल हो गई और ये इसका नन्ना पैक हो गया, मेरी तोसी की स्टडी टेबल। ये बन गई ना, तो ये घर पे ही बन गई। और यहाँ पर आपको दिखाऊं, यहाँ पर कम पड़ गया था माइका, तो मैंने कहा फिर इतने के पीछे सीट लेनी पड़ेगी, तो फिर क्या किया, इसमें कलर कर दिया, सिर्फ यहाँ पे कलर किया और इस वाले में अंदर, मतलब बाहर बाहर ये सारा माइका लगा हुआ है। तो मैंने कहा इतने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिखेगा भी नहीं। तो ये तोसी की स्टडी टेबल तैयार हो गई। बाकी घर पे साफ सफाई लगी हुई है, बहुत ज़्यादा सभी लोग लगे हैं, बाहर से जो पापा के यहाँ काम करते हैं लड़के, वो भी लगे हैं, वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये टेबल और ये टेबल हमारी
तैयार हो चुकी है। और कितने की पड़ी ये टेबल? ये टेबल अभी मुझे कंफर्म नहीं है पूरा, मैं अभी अगला आने वाले ब्लॉग में सेटअप के बाद एक वीडियो डालूंगी कि पूरा सेटअप कितने का पड़ा, टेबल कितने की पड़ी, सब कुछ बताऊंगी। लगभग हाँ इतना ज़रूर कंफर्म है, मुझे श्योर है 10-12 हज़ार की लगभग एक अंदाज़ा है, पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है लेकिन इतना अंदाज़ा है कि 10-12 से कम की तो पक्का है कि नहीं पड़ी, ठीक है इसके ऊपर ही पड़ी, क्योंकि जो इसमें मैंने मटेरियल यूज़ करवाया था ना बहुत अच्छा खासा करवाया था मजबूत, ताकि ये ख़राब ना हो लंबे समय तक चले, ठीक है। तो ये थी टेबल या काउंटर किचन के लिए। तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने किचन सेटअप के लिए काउंटर बनवा लिया है, बढ़िया मजबूत सा सुंदर सा और काफ़ी मैं खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं सामान से सच में बहुत परेशान हो गई थी, मतलब ऐसा लगता था कहाँ चली जाऊँ, कहाँ व्यवस्था बन जाए मेरी कि मेरा सामान फैला ना पड़ा रहे। तो अब किचन का सामान बहुत कुछ अरेंज हो गया है, आने वाले ब्लॉग में आपको सब कुछ दिखाऊंगी, किचन में भी बहुत चेंजेस आ गया है, बहुत कुछ चेंजेस कर दिया है, जरूर दिखाऊंगी और आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी कि इतनी छोटी किचन में इतना बढ़िया अरेंजमेंट मैंने कर लिया है, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर जरूर कर देना। बाय बाय।